हाई एवरी वन मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा बी ए बी एस सी बी कॉम पार्ट थर्ड का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है जिसका कि एग्ज़ाम सत्रह दिसंबर से होने वाला है तो एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है आइए इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे और एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आपके सामने ही डाउनलोड करके दिखाएंगे जिससे कि आप भी अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकें तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पर आना होगा यहाँ पर आने के लिए आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा वहाँ पर आप लोग सिंपली करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ जो आपको कोर्स दिख रहा है इसमें आपको जो एरो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है जो भी आपका ऑनर्स है या फिर आपका बी है या फिर बी है या फिर बी है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि का अगर बी है तो देखिए यहाँ पर बी आप लोग करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पर भी आपको बी जो है सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो ग्रुप में है तो ग्रुप में आपको जो है ऑनर्स ही रहने देना है जो यहाँ पर आपको ग्रुप ग्रुप शो हो रहा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑनर्स और एक जनरल शो होगा तो आपको जो है ऑनर्स में ही

और uh, डाउनलोड करेंगे तो नाम से जिनको अगर डाउनलोड करना है तो उनको क्या करना है जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है तो आपको यहीं पर जो है क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है दो ऑप्शन मिलेगा एक विथ रजिस्ट्रेशन एक अदर तो आपको जो है अदर्स पर कर लेना है तो देखिए यहाँ पर आपका जो है नाम और आपका जो है फादर्स के नाम दोनों जो है टाइप करने का बॉक्स मिल जाता है यहाँ पर आपको जो है अपना फादर्स के नाम जो है टाइप करके यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है तो चलिए स्टूडेंट का आपके सामने ही हम टाइप कर लेते हैं तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनका नाम भी और इनका फादर्स के नाम भी हम टाइप कर लिए हैं अब जो यहाँ है सिंपली सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर कुछ देर वेट करना है क्योंकि जो है सर्वर अभी बहुत ही ज़्यादा स्लो है तो आपको जो है थोड़ी सी यहाँ पर एक मिनट दो मिनट तक जो है आपको वेट कर लेना है और जैसे ही आपको जो है वे वेट करेंगे तो देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो जो भी आपका एडमिट कार्ड रहेगा वो आ जाएगा तो चलिए थोड़ी सी हम इंतज़ार कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इनका देखिए एडमिट कार्ड आ चुका है तो थोड़ी सी हम एक मिनट लगभग वेट किए हैं उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सर्च था यहाँ पर देखिए इनका एडमिट कार्ड भी आ चुका है तो हम आपको पूरे ही एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो ऐसे ही जो है आपको एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करना है आपको जो है अपना नाम और अपने फादर्स के नाम का स्पेलिंग आपको अच्छे से लिखेंगे तब तो आपको आ जाएगा नहीं तो आपको नो रिकॉर्ड वहाँ पर शो होगा तो अभी जो है बहुत ज़्यादा सर्वर स्लो है और धीरे धीरे शाम तक ये सर्वर सही हो जाएगा क्योंकि अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं तो देखिए ये रहा इनका एडमिट कार्ड अब डाउनलोड कैसे करना है तो देखिए आपको यहाँ पर जो है डाउनलोड का ऑप्शन यो यहाँ पर जो आपको डाउनलोड का जो ऑप्शन मिलेगा इसी पर जो है आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना तो चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फिर जो है ये डाउनलोड होकर आ जाएगा तो अभी जो है सर्वर बहुत ही ज़्यादा स्लो है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना स्लो स्लो ये चल रहा है तो जैसे ही डाउनलोड होता है हम आपको दिखा देते हैं कैसे जो है आपका डाउनलोड हुआ है तो इस प्रकार से जो है देखिए इनका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होकर आ गया है तो आपको जो है यहाँ पर देखना है तो देख सकते हैं देखिए यहाँ पर थर्ड कहाँ ही है तो देखिए थर्ड में ऑनर्स का जो है चार पेपर होता है और एक जो है जनरल स्टडी का होता है तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं तो आप लोग को अगर जो है देखने में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर जो है कब कब हम लोग का एग्ज़ाम देने के लिए जाना है तो उस पर हम एक डिटेल में वीडियो बनाए हैं उसको आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है तो उसका भी हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे देंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे का जो है पेपर आठ में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा तो उस दिन आपका सेंटर पर एग्ज़ाम नहीं होगा आपको सेंटर पर नहीं जाना है जिनका जिनका प्रैक्टिकल का होना है एग्ज़ाम जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी जोग्राफी ये सब स्टूडेंट का जो है और पेपर आठ में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो उस दिन जो है आपको सेंटर पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा आपका जो है किस दिन एग्जाम होगा उस वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल से बताएँ हैं और जिनका प्रैक्टिकल नहीं होना है उनका जो है चारों दिन आपको ऑनर्स पेपर देने के लिए सेंटर पर ही जाना है और एक दिन आपको जनरल स्टडी देने के लिए जाना है तो वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे तो थैंक्स फॉर जी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें